हाय गाइस, वेलकम बैक टू जस्ट रिव्यूज। मैं बहुत ही खराब दिख रही हूँ, बट अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ कि मुझे हो गया था कोविड। एंड अब तो मैं काफ़ी ठीक हूँ, आई एम डूइंग प्रीटी फाइन। बट मैंने सोचा आज ब्लॉग करते हैं, आज थोड़ा हैपनिंग डे है, हम लोग बाहर निकलने वाले हैं घर से काफ़ी दिनों बाद। मैं तो लगभग 10 दिन के बाद घर से बाहर निकल रही हूँ, सो इट्स लाइक फॉर मी। सो आज मेरे हस्बैंड की कमर में भी थोड़ा दर्द है, देखते हैं उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। नाउ विदाउट एनी फर्दर रूल, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ब्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शुरू करते हैं। करने जा रहे हैं सीओ सीक्रेट्स का ये आयुर्वेदिक हर्ब हीलिंग पोटली कंप्रेस। ये काफ़ी सही मेरे को लगता है एंड हमने पहले भी इसको यूज़ किया हुआ है। रिटेल्स फॉर 459 रुपीज़, बट आई एम श्योर आपको इनकी वेबसाइट पे काफ़ी अमेजिंग अमेजिंग ऑफर्स देखने मिलेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने टैप के पास आ चुकी हूँ। इसको हमें बहुत ही हल्का सा बस वाटर में रन करना है कि ये खाली वेट हो जाए। बस आपको इसको बहुत ज़्यादा वाटर में नहीं डिप करना है, ठीक है? तो ये हमारा वेट हो चुका है, अब इसे तवे पे रख के गर्म कर लेते हैं। ऑल्सो गाइज, इसका वेट भी काफ़ी सही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इतना है कि अगर आप इसको किसी के पीठ पे रखोगे तो ये काफ़ी अच्छे से कंप्रेस मसाज देगा। यहाँ पे मैंने अपना तवा चढ़ा लिया है, अब मैं इस पोटली को हल्का वार्म करूँगी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है हमने इसको, तो हल्का वार्म कर लेते हैं। सिर्फ 30 से 40 सेकंड में तवा अच्छे से गर्म था, हमारी पोटली भी गर्म हो चुकी है। अब इससे हस्बैंड के कमर का दर्द पूछते हैं। चल, उठ क्यों नहीं रहे आज आप? इनके ना कमर में बहुत दर्द है गाइस। तो मैं, ये लोअर बैक है जो आपकी, यहाँ पे पोटली रख रही हूँ, बताइएगा गर्म तो नहीं लग रहा? ठीक लग रहा है? कैसा लग रहा है? सो गाइज, इसी तरह से हमको 5 से 10 मिनट मसाज करनी है। आयुर्वेदिक हर्ब्स अंदर तक अब्सॉर्ब हो जाती हैं बॉडी में एंड काफ़ी हेल्प करती हैं रिलैक्सेशन से, एंड पेन भी काफ़ी कम कर देती हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे रख के छोड़ भी सकते हैं, एंड ये वॉर्म बना हुआ है अभी तक। सो वी टोटली लाइक इट। बहुत दिन हो गए हैं गाइज, लंच नहीं दिखाया। यहाँ पे मैं हल्का सा घी डाल के दाल चावल की खिचड़ी डालने जा रही हूँ फटाक से, और अपने लिए थोड़ी सी कोल्ड कॉफ़ी बनाऊंगी क्योंकि सुबह से कुछ खाने का टाइम ही नहीं मिला है। तो क्योंकि मेरा जो है वो नॉर्मल वाला ब्लेंडर ख़राब हो चुका है, ये वाला जो अटैचमेंट होता है ना जिसमें डोसा बैटर या बैटर वगैरह मम्मी लोग पीसते हैं, इसी में मैं अब अपनी कॉफ़ी बनाती हूँ, सही बन जाती है। शुगर और कॉफ़ी को मैं पहले यू नो फेंट लेती हूँ, कितना अच्छा धुआं निकल के आ रहा है। अब इसके बाद मैं इसमें मिल्क वगैरह ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा गिर भी गया कोई बात नहीं, आप चाहें तो थोड़ा सा वाटर भी डाल सकते हैं, मैं भी डालती हूँ, बट अभी इसको ऐसे ही ब्लेंड। लुक हाउ फ्रॉथी द कॉफ़ी हैज़ कम आउट, मतलब इतनी गाढ़ी इतनी यमी ये बनती है दैट आई कांट टेल यू। एंड जब आपकी कॉफ़ी फ्रॉथी बनती है ना तो इट ऑलवेज इंक्रीजेस, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बच ही जाती है। जब तक मेरी खिचड़ी रेडी हो रही है हम थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेंगे। इट्स बेटर देन माई एक्सपेक्टेशंस यू गाइस। ऑल्सो बहुत ही अमेजिंग एक यू नो पीनट बटर हम आपसे शेयर करने वाले हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो ज़रूर देख लेना। एंड ये कॉफ़ी इज टू गुड, इम्पल्स कॉफी इज शेफ्स केस इज ऑलवेज। पसीना देखो, पसीने से तो ग्लो अलग ही आता है स्किन पे, बट स्किन पे भी मैं कुछ और भी यूज़ करने लगी हूँ, वो भी दिखाऊंगी। सो गाइज, एज आई टोल्ड यू कि हमें आज मूवी के लिए जाना है, बहुत दिनों बाद हम जा रहे हैं जुक जुक जियो देखने। फाइनली मैंने टिकट्स बुक कर दी हैं और आज थोड़ा सा रेडी होने का मन कर रहा है, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ सीओ सीक्रेट्स का लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग एज करेक्टिव सीरम। ऑल्दो आई डोंट सपोर्ट दिस पार्ट, बट दिस इज़ अ रियली गुड सीरम, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ऑयली हो के भी, मतलब इट्स लाइक एन ऑयल बट इट्स नॉट ऑयली, एंड इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही क्लीन हैं, बहुत ही अमेजिंग है। तो मैं इसको काफ़ी टाइम से टेस्ट आउट कर रही हूँ, आप देख सकते हो उसमें सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये ऐसे पैकिंग में आता है, इसके अंदर ये सीरम प्रोटेक्टेड रहता है काफ़ी। ये एक ग्लास बॉटल है, मैं काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ, सॉरी मेरे हाथ से स्लिप हो गया था। एंड इसका कलर और टेक्सचर मैं आप लोगों को बिल्कुल अभी दिखा देती हूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ये ऑयली दिखता है बट इट्स वेरी लाइट वेट,
और स्किन पे इतना प्यारा ये ग्लो छोड़ के जाता है। ओ माय गॉड, तो आप देख सकते हो स्किन पे काफ़ी सही सा ग्लो दे देता है, यू नो, एंड बिल्कुल ऑयली नहीं फील होता, ना ही लगता है, ना ही मुझे इससे कोई पिंपल हुआ है। अब मैं हल्का फुल्का मेकअप करूँगी, देखती हूँ क्या पहनूँ। दीदारे, जब से कोविड हुआ है कभी बाहर ही नहीं निकले, यू नो, बाहर की दुनिया इज लाइक 10-15 दिन बाद आप निकलो तो ऐसा ही लगता है। तो रेडी हो के आपसे मिलती हूँ। आज मैं पहनने वाली हूँ ये जून बेरी की टी शर्ट। ओ माई गॉड, दिस इज सॉफ्ट लाइक अ बेबी गाइज, एंड ब्लिस क्लब की लेगिंग्स, बिकॉज दीज आर परफेक्ट फॉर मूवीज या फिर कुछ भी, और ये बहुत अच्छे से पेयर होती हैं हर कपड़े के साथ। और जो मैं ज़्यादा ईयरिंग्स नहीं पहनती हूँ, बट मिस्टर हस्बैंड रिसेंटली गिफ्टेड मी दिस जीवा ईयरिंग्स, सो ये मैं पहनने वाली हूँ आज, एंड लेट्स गेट रेडी। मेकअप मैं ऐसे लिए नहीं लगाती गाइज, क्योंकि जब तक घर आप बंद करो ना, निकलो फैशन इन्फ्लुएंसर्स के घर में, तो पता नहीं कौन गेट वेट बंद करता है। हमारे यहाँ तो ताले भी खुद ही लगाने पड़ते हैं अपने घर में। गर्मी में ही ना सारा चौपट हो जाता है काम, गाड़ी में बैठ के मिलती हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं फिनिक्स प्लासियो, लुलू मॉल का बोर्ड लगे है गाइज, बहुत जल्दी आप लुलू मॉल का व्लॉग देखोगे हमारे चैनल पे। मैं इतने दिन बोलते हुए भी आप लोगों को लग रहा होगा मैं कितनी एक्साइटेड हूँ लुलू के लिए, बिकॉज आई हैव बीन टू लुलू इन कोची, एंड ओ माय गॉड, आई वाज मेस्मराइज्ड बाय हाउ ब्यूटीफुल एंड हाउ मैग्निफिसेंट इट इज, एंड आई लव्ड इट। सो ये रहे मिस्टर हस्बैंड एज यूजुअल ड्राइव करते हुए, एंड हम जा रहे हैं प्लासियो। जब से प्लासियो खुला है आई जस्ट नोटिस टुडे कि और किसी, मतलब लखनऊ में इतने सिनेमाज हैं। हमारे घर के पास PVR सिंगापुर मॉल है, वेव है, सिनेपोलिस है, फन रिपब्लिक है, आईनॉक्स रिवर साइड है, कहीं पे भी कोई ढंग के टाइमिंग के शोज ही नहीं है, इतने और टाइमिंग के शोज। आई डोंट नो, ये प्लासियो में सारी भीड़ डाइवर्ट हो गई। मतलब हम लोग कल इनफैक्ट फन रिपब्लिक गए भी थे और वहाँ पे वाकई में भीड़ कम थी, सो आई थिंक प्लासियो ने काफ़ी भीड़ काट दी है लोगों की, एंड मिस्टर हस्बैंड वॉज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग। सो अब चलते हैं, हमारी 4:25 की मूवी है, इट्स 4:11 राइट नाउ, पहुंच ही जाएंगे। मूवी तो 5-10 मिनट लेट ही शुरू होती है। पहली बार प्लासियो के PVR है क्या है वहाँ, नॉट टू श्योर गाइस, चल के देखते हैं कैसी स्क्रीन है, क्या है, आपको एक मिनी रिव्यू भी दे देंगे। सो लेट्स गो। ऑल ऑफ अ सडन यहाँ आते आते मौसम भी काफी अच्छा हो गया है, भीड़ बहुत है, एंड देख वो देख आदमी एक चप्पल में खड़ा है। पहनते हैं लोग यार, वो तो कच्चे और चप्पल में खड़ा है, आप तो फिर भी जॉगर्स में आए हो। मैंगो, ये कौन सी एग्जिट है? पार्किंग में इतनी ज्यादा क्राउड है गाइस, आई होप वी गेट द पार्किंग। इट्स ऑलरेडी 4:20। थैंक्स टू दिस गाय, इसने हमें एक जगह दिखा दी, थैंक यू। सो हम लोग प्लासियो की पार्किंग में फंसे हैं गाइज, एक जना ऐसे उल्टी पार्किंग में ला के फंसाया हुआ है गाड़ी अपनी, बहुत ही टिपिकल है यहाँ से गाड़ी निकालना अपनी। ये क्या कर रहे हैं फोर्ड वाले गाइस? मुझे वो वाली स्कीम जाननी है कब आएगी, जब आप उल्टी गाड़ियों का जैसे फोटो खींच के भेजोगे ना तो आपको भी 500 रुपए मिलेगा। तो ये लोग तो ये हाईवे ही है ना शहीद पथ, तो ये लोग तो हाईवे पर उल्टा आ रहे हैं, और वो भी एक नहीं कम से कम 20 गाड़ियां है इस लाइन में। सो आई रियली विश कि वो वाला चालान जो है जल्दी लागू हो और मैं ऐसे गाड़ियों की फोटो खींच के भेजू, क्योंकि लोग एक कट जस्ट बिकॉज दे हैव टू ट्रैवल, पता है वो इस ट्रैफिक में खड़े होके उतना ही पेट्रोल फूकेंगे जितना वो आगे से कट के आ जाते हैं। हॉर्न बजाइए गाइस, मिनी कूपर देख लो कितनी छोटी लग रही है, अपनी इको स्पोर्ट कितनी अच्छी है इसके आगे, ये अमीर बाप की अमीर औलाद है। तो वी आर बैक होम, पूरा चेहरा एकदम क्लीन कर लिया है, क्योंकि कोई भी यू नो रिस्क नहीं लेने का पिंपल होने का, थोड़ा मस्कारा और काजल तो रह ही गया है।
उसको अभी एक क्यूटिप लेके साफ कर लेंगे। और जैसे ही हमने घर में पैर रखा, क्या झमाझम बारिश होने लग गई। और रही बात मूवी की, इट्स अ गुड वॉच, आई एंजॉयड इट कम्प्लीटली। एक भी मिनट ऐसे नहीं लगा कि बोर हो रहे हैं। अनिल कपूर हैज डन अ फैबुलस 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 जॉब। एवरीबडी हैज एक्टेड वेल, बट आई वुड गिव 10/10 टू अनिल कपूर, एंड एवरी मैरिड कपल शुड एक्चुअली वॉच चुक चुक जियो। दैट्स माई एडवाइस। हाय फ्रॉम द एडिटिंग, तिशा हियर। सो गाइज, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। जुग जुग जियो इज अ ग्रेट मूवी। सीयर सीक्रेट्स के प्रोडक्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जरूर चेकआउट कर लेना। और प्लीज द वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं किया है तो। आजकल हम डेली वीडियोज डाल रहे हैं, एंड आई विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।